दोस्तों, मैं सुनील और मैं आज आपको बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन होगा amazon.in पे। Amazon आपको जैसे कि पता है कि इंडिया में अभी काफ़ी फेमस हो चुका है। काफ़ी रीजंस है उसके पीछे कि पहली बात तो यह है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स काफ़ी मिलेंगी आपको Amazon में। कस्टमर्स काफ़ी पसंद करते हैं इतनी सारी वैरायटीज़। उनकी सर्विसेज भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, दो दिन में डिलीवरी भी दे देते हैं अमेज़ॉन। और दूसरे मार्केट प्लेसेस भी हैं जो अभी ये सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बट अमेज़ॉन अभी लीडिंग है इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी दोनों में। तो ये ऑब्वियस है कि काफ़ी सारे सेलर्स भी अमेज़ॉन में इनकॉर्पोरेटेड हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं अमेज़ॉन में। बट काफ़ी सारे सेलर्स, रिटेलर्स ऐसे होते हैं जिनको स्टेप्स नहीं पता होते हैं, इसीलिए हम आपको बताने वाले हैं कि अमेज़ॉन में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको लगेंगे, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए अमेज़ॉन की वेबसाइट पर पहले चलते हैं। अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाने के लिए पहले आप amazon.in पे चले जाइए। वहाँ पे आपको बिल्कुल नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेल ऑन अमेज़ॉन, यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स आपको देखने मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स है, कैसे वो ऑपरेट करते हैं, थोड़े वीडियोस भी आपको देखने मिलेंगे, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस होंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पे। सो क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ। वहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे पूछेंगे। चलिए हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं अमेज़ॉन में आपके लिए, ट्राई करते हैं सिर्फ आपके लिए। फर्स्ट नाम हम दे देंगे, कोई भी नाम मैं दे देता हूँ सनी। डेमो देने के लिए क्रिएट किया हुआ है आपके लिए। ठीक है, चलिए यहां से हम बढ़ते हैं आगे और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो स्टेप आएगा वहां पे आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए बताएंगे। वो होने के बाद आप सीधे सेलर इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे। वहाँ पे होने के बाद टैक्स डिटेल्स में, उसके बाद सेलर इंटरव्यू, उसके बाद डैशबोर्ड। सेलर इंटरव्यू, हाँ आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। जब आपका नंबर वेरीफाई करेंगे तब सेलर इन्फॉर्मेशन में आपको बेसिक डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी। आगे मैं ये स्टेप के आगे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टैक्स डिटेल्स मैं फिर से नहीं डाल पाऊँगा, मेरे पास पुरानी जो हमारी कंपनी है उसी के डिटेल्स हैं, नए मेरे पास नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे रुक के मैं सारे स्टेप्स आपको समझा दूँगा कि कैसे करना है, क्या डिटेल्स उसमें लगेंगे। तो सेलर इन्फॉर्मेशन में जैसे बताया, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी ली जाएगी, मतलब आपका एड्रेस, आपके कंपनीज की डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद टैक्स डिटेल्स, वहाँ पे आपको आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रूफ देना होगा। आप जो अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हैं या फिर म्यूनिसिपालिटी में हैं, वहाँ पे आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उनका सर्टिफिकेट एक जनरेट होता है, वो आपको देना होगा। CST सर्टिफिकेट देना होगा और आपका वहाँ का लोकल जो सेल्स टैक्स अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करनी रहेगी। वो होने के बाद आप जब वेरीफाई करेंगे तब मे बी 24 आवर्स के अंदर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद अमेज़ॉन एक छोटा सा सेलर इंटरव्यू कंडक्ट करता है, वहाँ पे आपको 20-25 क्वेश्चंस देगा और वो जानेगा पहले कि आप कैपेबल हैं कि नहीं उनके वेबसाइट में बेचने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अमेज़ॉन के लिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई सेलर वैसा हो अमेज़ॉन में जिसको बेसिकली पता ना हो
कि सेल कैसे किया जाता है, उसके टर्म्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ईजी होता है ये इंटरव्यू को क्रॉस करना, तो आपको उतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे ही हो जाएगा आप सीधे डैशबोर्ड में चले आएंगे। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि उसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है। आगे डैशबोर्ड के हम डिस्कस करेंगे सारे फीचर्स, बट अभी फ़िलहाल हम इतना ही जानेंगे कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ये सिंपल स्टेप्स थे, आपने जैसे देखा ये सारे स्टेप्स फॉलो हो जाने के बाद तब आप आएंगे होम पेज पे। अब होम पेज में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ही इन्फॉर्मेशन लेके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ग्रेजुअली आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, आपको यहाँ से भी पता चलेगी, वेबसाइट से अमेज़न की और मेरे ट्यूटोरियल से भी। मैं हर एक टैब आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक ट्यूटोरियल में, अमेज़न के, ईबे के, स्नैपडील के, हर एक चैनल के। तो इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ अमेज़न के रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको ईबे के, पेटीएम के और स्नैपडील के, फ्लिपकार्ट के, जितने भी हैं सबके मैं अलग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके अगर कोई सवाल हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूंगा इसी वीडियो में। तो और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि मैंने मिस कर दी तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। ठीक है गाइस, अभी इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहीं पर। आगे फिर हम बात करेंगे स्नैपडील में रजिस्ट्रेशन के बारे में। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।